हेलो फोक्स, यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स टाइगर, दिस इज अनुज के। खेल जगत में हमने अक्सर देखा है कि हेयर स्टाइल्स को लेके काफी ज्यादा क्रिकेटर्स और फुटबॉलर्स मशहूर होते हैं, चाहे वो डेविड बेकहम हो या फिर महेंद्र सिंह धोनी। हमेशा से अपनी हेयर स्टाइल के लिए एक अलग जगह जो है लोगों के दिल में इन खिलाड़ियों ने बनाई है। और बीते कुछ दिनों में एक और ऐसा खिलाड़ी है जो कि अपनी हेयर स्टाइल की वजह से लगातार लोगों के दिल में जगह बना रहा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड के कॉलिंडी ग्रैंडहोम की। अब देखिए, कॉलोनी ग्रैंड होम की मलेट हेयर स्टाइल काफ़ी ज़्यादा लोगों के दिल को छू रही थी, काफ़ी ज़्यादा जो है सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही थी। लेकिन न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक ट्वीट कॉलोनी ग्रैंड होम के लिए किया, जहां पर उनकी हेयर स्टाइल मलेट नज़र नहीं आ रही थी। और यही दर्शाने के लिए, यही बताने के लिए उन्होंने उनकी मलेट हेयर स्टाइल को कैप्शन के द्वारा पोर्ट्रे किया, जहां पे द फेमस हेयर स्टाइल मलेट ऑफ कॉलोनी ग्रैंड होम इज़ नो मोर, देखिए ये उनका कैप्शन था। लेकिन जनता जनार्दन ने कुछ इस तरीके से उसको रिसीव किया कि उनको लगने लगा कि शायद कॉलोनी ग्रैंड होम की डेथ हो चुकी है। जी हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्वीट बन गया, जहाँ पे सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा इसकी चर्चा होने लगी कि लाइफ इज़ सो अनप्रडिक्टेबल, कभी भी जो है जिंदगी का कुछ पता नहीं है। लेकिन बाद में जब लोगों ने उस मलट हेयर स्टाइल के बारे में पढ़ा, तो उनको अंदाज़ा हुआ कि भैया कॉलोनी ग्रैंड होम की हेयर स्टाइल जो है वो अब वो नहीं रही है जो पहले हमको देखने को मिलती थी। अब एकदम एक अलग अंदाज में डी ग्रैंड होम नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है लोकप्रिय उनका हेयर स्टाइल हुआ था मलेट की अगर बात करी जाए। स्पेशली WTC फाइनल की अगर बात करें तो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ज़रूर कॉलोनी ग्रैंड होम बन गए थे। हालांकि बल्ले और गेंद से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट उन्होंने नहीं किया था, शायद इसी वजह से आप देख सकते हैं कि T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में भी उनको जगह नहीं मिली है। उनके साथ साथ रॉस टेलर भी आपको स्क्वाड में नज़र नहीं आएंगे। रिसेंट परफॉर्मेंस अगर बात करी जाए तो बांग्लादेश के खिलाफ कुछ खास उनकी सीरीज नहीं रही, और अब काफी ज्यादा स्पेकुलेशंस ये हैं कि क्या कमबैक वो कर पाएंगे न्यूजीलैंड की टीम में, क्योंकि इयान स्मिथ इससे पहले कह चुके हैं कि जो परफॉर्मेंस उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ करी है, 5 मैचों में उन्हें मौका मिला लेकिन अपने पोजीशन को वो जस्टिफाई नहीं कर पाए न्यूजीलैंड की स्क्वाड में। और इसी वजह से शायद आप ये देख सकते हैं कि जो गिरती फॉर्म, जो एक डिप नज़र आया है 2019 वर्ल्ड कप के बाद, शायद ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि कॉलोनी ग्रैंड होम न्यूजीलैंड की वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं है। लेकिन ये ज़रूर आपको कहना पड़ेगा कि बीते कुछ 24 घंटों में अच्छा खासा जो है इन पर चर्चा हुई है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि कब जो है वापस से वो ये मलट हेयर स्टाइल रखेंगे। अभी तो एक अलग अंदाज उनका नज़र आ रहा है, पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। हाँ, बीते कुछ महीनों में जिस तरीके से वो नज़र आ रहे थे, देखते हैं गेंद और बल्ले से किस प्रकार जो है परफॉर्मेंस के द्वारा एक बार फिर से डी ग्रैंड होम अपने परफॉर्मेंस की बलबूते लोगों के दिल में जगह बनाएंगे, इसका इंतज़ार रहेगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर भी इसे ज़रूर कीजिएगा और स्पोर्ट्स टाइगर को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए।